हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सबके सबके बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे क्लिपिंग मास्क किस तरह से किया जाता है फोटोशॉप में। कुछ फ्रेंड्स ने हमसे पूछा है क्लिपिंग मास्क के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में कि क्लिपिंग मास्क कैसे करना चाहिए, इसका क्या क्या तरीका होता है। तो फोटोशॉप में क्लिपिंग मास्क कैसे करेंगे वो भी सीखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलस्ट्रेटर में क्लिपिंग मास्क कैसे कैसे किया जाता है। तो ये मैंने इंडिया लिखा था, टेक्स्ट के अंदर क्लिपिंग मास्क कैसे करना चाहिए और किसी बैकग्राउंड या किसी शेप के अंदर टेक्स्ट कैसे क्लिपिंग मास्क करना चाहिए, ये दोनों चीज़ों को अभी हम लोग देखेंगे। तो इन सभी फाइल्स को मैं डिलीट करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, इन सभी को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। हमारा सिर्फ बैकग्राउंड है। यहाँ से टेक्स्ट लिया और यहाँ पे हमने लिखा इंडिया। ओके, अब टिप्स ट्रिक्स की बात करते हैं। तो अगर इसे सेंटर करना है अलाइन तो कैसे करेंगे, कंट्रोल प्रेस करें और ये बैकग्राउंड को सिलेक्ट करें और उसके बाद वी टूल पे आ जाएं। यहाँ से अलाइन कर लें सेंटर और फिर ये अलाइन कर लें सेंटर, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों सेंटर में आ गए। अब ये सेंटर में आने के बाद इस टेक्स्ट को अगर कुछ इसमें एडिटिंग करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसमें स्ट्रोक देना है, शेडो देना है, तो उस पर भी थोड़ा सा मैं फोकस कर देना चाहता हूँ। ये जो लेयर है इस पर आप डबल क्लिक करें। यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शंस हैं, इस ऑप्शन में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर हमने स्ट्रोक को चेक किया तो स्ट्रोक आ जाएगा। स्ट्रोक के कलर को आप चेक करना चाहते हैं तो स्ट्रोक के कलर पे इस तरह से क्लिक किया और यहाँ से कलर चेंज कर दिया। कलर अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन कलर डाल दिया जाए, इस तरह से ग्रीन कलर डाल दिया तो ये ग्रीन आ जाएगा। अगर आप कोई और कलर चाहते हैं तो वो कलर आ जाएगा। सपोज हमने एक ब्राउन या फिर चलिए इस तरह का कलर कुछ हमने अभी फिलहाल डाल दिया, बाद में इसको देख के लिए। इसके साइज़ को बढ़ाना हो तो आप यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जितना साइज़ रखना है उतना रख सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमने रखा है साइज़ 5। ओके, और उसके बाद फिर यहाँ पे ड्रॉप शेडो का एक ऑप्शन है। इस ड्रॉप शेडो पे जब आप चेक करेंगे तो इसका ड्रॉप शेडो पे आ जाएंगे आप। ये ड्रॉप शेडो अब यहाँ से बढ़ाने घटाने का, ये 100% ओपेसिटी करते हैं और इसका जो कलर है, इसके कलर को आप चाहें तो रेड ही कलर आप रख सकते हैं। रेड का एक डार्क कर दें यहाँ पे, इस तरह से आने का, रेड में डार्क यानी ब्राउन कलर। अब इसका जो डिस्टेंस है ये भी बढ़ा सकते हैं और इसके एंगल को आप बढ़ा सकते हैं, एंगल जिधर रखना चाहते हैं उधर रख सकते हैं, डिस्टेंस को आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं और ये आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके, 45 डिग्री रखें, 45। ओके, डिस्टेंस हमने यहाँ पे रखा है 20। ओके, और इसको ओके कर दिया, ये हमारा इंडिया लिखा है। अब ये इंडिया जो लिखा हुआ है इसके ऊपर मुझे क्लिपिंग मास्क करना है इंडियन फ्लैग को। इंडियन फ्लैग मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इस इंडियन फ्लैग को उठाया और यहाँ पे लाकर छोड़ दिया इस तरह से। अब इसे आप थोड़ा सा बड़ा कर लें, ऑल्ट एंड शिफ्ट करेंगे तो दोनों तरफ से बड़ा होगा, ये इस तरह से बड़ा होगा। इसको ओके कर लिया। अब इसे क्लिपिंग मास्क करना है तो कैसे करेंगे, इसी टेक्स्ट के ऊपर यानी जो हमारा इंडिया लिखा हुआ है इसी इंडिया के ऊपर ये क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। इसको क्लिपिंग मास्क करने के लिए कीबोर्ड से ऑल्ट की को प्रेस करें और इसके लाइन पे आ जाए, इस लाइन पे आ जाएंगे तो इस तरह का एरो बन जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लिपिंग मास्क हो जाएगा इसके अंदर। अब इसे आप छोटा बड़ा आप जैसे चाहें वैसे करके आप दिखा सकते हैं। ओके, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। तो ये हो गया क्लिपिंग मास्क टेक्स्ट के अंदर कैसे किया जाता है। अब ये तो एक इमेज है तो इस इमेज के जगह पे जैसे इंडियन फ्लैग को हमने क्लिपिंग मास्क किया, अब इसके जगह पे कोई भी इमेज आपकी अपनी तस्वीर हो या किसी तरह का कोई इमेज हो उसको आप क्लिपिंग मास्क इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये तो एक तरीका हो गया कि ऑल्ट प्रेस करके हमने इस तरह से किया था तो क्लिपिंग मास्क हो गया, लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है, इसको मैं बाहर आ जाता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि इस इमेज पे जिस इमेज को क्लिपिंग मास्क करना है जिसके अंदर, तो उस इमेज के ऊपर आ जाएं और राइट क्लिक करें। इस पर राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क का, इस पर आप क्लिक करेंगे तब भी ये क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। एक और भी तरीका है इसमें, वो ये है कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट एंड जी प्रेस करेंगे तो क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। तो तीन तरीके यहाँ पे हो गए क्लिपिंग मास्क करने के।
अब क्लिपिंग मास्क ये हो गया, लेकिन ये हमने टेक्स्ट के अंदर किया। अगर यही क्लिपिंग मास्क मुझे कोई बैकग्राउंड है, जैसे यहां से हमने स्टार एक राउंडेड शेप हमने लिया, इस तरह से राउंडेड शेप लिया, ओके, और इसके अंदर अगर क्लिपिंग मास्क करना है मुझे, इसके अंदर कोई चीज क्लिपिंग मास्क करना है, जैसे हमारी कोई तस्वीर है, ये किसी भी की तस्वीर है, उसको क्लिपिंग मास्क करना है, तो कैसे करेंगे? जैसे फाइल में गए, कोई दूसरा इमेज मैं यहाँ से लेता हूँ, जैसे ये एक क्रो है, इसको मैं लेता हूँ, ओके, इसको ओपन करके और इसके अंदर क्लिपिंग मास्क करना है, उसे कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके लॉक को ख़त्म कर लें और कंट्रोल टी करके यहीं पे ये इमेज को छोटा कर लें। छोटा करने से फ़ायदा ये होगा कि आप जब उस लेयर पे लेके जाएंगे, अगर ये इमेज काफ़ी बड़ी होगी तो फिर वहाँ पे आपको छोटा करना ही पड़ेगा, ओके। अब इस इमेज को उठा कर लेके आएँ और इस वाले ऑप्शन पे आकर, इस वाले ऑप्शन पे ला कर छोड़ दें यहाँ पे, ओके। अब इसे आप वही करेंगे जो अभी मैंने बताया था, कंट्रोल ऑल्ट जी, कंट्रोल ऑल्ट जी से क्लिपिंग मास्क हो गया। अब इसे ड्रैग कर आप ले आए, ये इस तरह से आप क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। इसको छोटा करने के लिए कंट्रोल टी बाद में भी कर सकते हैं, यानी क्लिपिंग मास्क करने के बाद भी कंट्रोल टी से क्लिपिंग मास्क आप कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे आप जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा दिखा सकते हैं। तो क्लिपिंग मास्क करने का ये तरीका है फोटोशॉप में। इलस्ट्रेटर में कैसे करते हैं वो दूसरे ट्यूटोरियल में अभी मैं बनाता हूँ, और उस ट्यूटोरियल को भी आज या हो सकता है कि कल मैं उसको अपलोड कर दूं। अभी ये वीडियो आप देखें, और इलस्ट्रेटर में कैसे करते हैं उसको मैं दूसरे ट्यूटोरियल में बताता हूं। तो ये कैसा लगा ट्यूटोरियल हमारा फ्रेंड, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल सबके साथ आप जुड़े रहें। और किसी तरह का कोई परेशानी अगर फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में हो रही है, किसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरा मेल आईडी है, उस पर आप मेल करके भी जान सकते हैं। किसी तरह का कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करना भी ना भूलें, और हम आप सबके साथ इसी तरह से बने रहेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए, ट्यूटोरियल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।